नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र राज इंदौर मध्य प्रदेश से हूं और आज घमासान.com की ओर से हम जैसे नए कलमकारों को यह अवसर दिया है कि हम अपनी बात रख सकें, बात कह सकें, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और दोस्तों, मैं कुछ गज़लों के शेर आपके सामने पेश करने वाला हूं। इसके लिए आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अपने मन की बात कहना चाहूँगा कि लोग गज़लों को और शायरी को सिर्फ मात्र तफरी मानते हैं कि कभी कभार ज़िंदगी की आपाधापी से बचने के लिए थोड़ा हास्य के लिए हम उधर चले गए, मात्र तुकबंदी मानते हैं, और ये बहुत ही गलत है। गज़लें ज़िंदगी के फ़लसफ़े को, ज़िंदगी के हर रिश्ते को कहने की कुव्वत रखती हैं और हर फ़लसफ़े को कहने का मादा रखती हैं। तो ऐसे ही कुछ गज़लों के शेर मैंने भी कुछ कोशिशें की है, तो ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आप कि जब कोई दिल को दुखाता है तो गज़ल होती है, जब कोई दिल को दुखाता है तो गज़ल होती है, या कोई रूह को छू जाता है तो गज़ल होती है। जब कोई दिल को दुखाता है तो गज़ल होती है, या कोई रूह को छू जाता है तो गज़ल होती है। और चंद जुमलों और लतीफ़ों में मत बांधो गज़ल को, चंद जुमलों और लतीफ़ों में मत बांधो गज़ल को, कलेजा मुँह को आता है तो गज़ल होती है, कलेजा मुंह को आता है तो गज़ल होती है। और कई यतीम हैं जिन्हें मयस्सर नहीं माँ का आंचल, कई यतीम हैं जिन्हें मयस्सर नहीं माँ का आंचल, ऐसे बचपन को कोई दुलराता है तो गज़ल होती है, ऐसे बचपन को कोई दुलराता है तो गज़ल होती है। और सच्चाई जो सादगी का घूंघट ओढ़े अपनी राह चलती है, सच्चाई जो सादगी का घूंघट ओढ़े अपनी राह चलती है, ऐसे सच को जब झूठ दबाता है तो गज़ल होती है, ऐसे सच को जब झूठ दबाता है तो गज़ल होती है। तो मित्रों, ऐसी ही कुछ ज़िंदगी के फ़लसफ़े, कुछ घटनाओं को लेकर मैंने अपनी गज़लें कहने का प्रयास किया है, कोशिशें की है। एक मतला और चंद शेर आपके आपकी नज़र करता हूँ कि एक कटोरी खीर जब एक चुटकी शक्कर हो गई, किसी गरीब परिवार की कल्पना करें आप कि उनके लिए क्या बार त्यौहार और क्या मुँह मीठा करना। तो ऐसे ही किसी ख्याल को लेकर कभी मैंने कुछ कहा था कि एक कटोरी खीर जब एक चुटकी शक्कर हो गई, ऐसे ही समझौतों में ये ज़िंदगी बसर हो गई। एक कटोरी खीर जब एक चुटकी शक्कर हो गई, ऐसे ही समझौतों में ये ज़िंदगी बसर हो गई। और लाचारियाँ दुश्वारियाँ हज़ारों ख्वाहिशों का कत्ल, लाचारियाँ दुश्वारियाँ हज़ारों ख्वाहिशों का कत्ल, लगता है कि ज़िंदगी जैसे तलखियों का सफ़र हो गई, लगता है कि ज़िंदगी जैसे तलखियों का सफ़र हो गई। और बच्चे अब अपनी आँखों से दुनिया देखने लगे हैं, बच्चे अब अपनी आँखों से दुनिया देखने लगे हैं, ख्वाब उनके बड़े और छोटी मेरी चादर हो गई, ख्वाब उनके बड़े और छोटी मेरी चादर हो गई। और चहकती चिड़िया की आंगन से उड़ने की तारीख तय हुई, चहकती चिड़िया की आंगन से उड़ने की तारीख तय हुई, विदाई सोचकर ही बाप की आंखें समंदर हो गई, विदाई सोचकर ही बाप की आंखें समंदर हो गई। और फुटपाथ के कचरे से जब रोटी उठाते देखा बच्चों को, दोस्तों ये हमारे देश में एक आम दृश्य है, आप कहीं भी किसी गरीब बस्ती में ये दृश्य देख सकते हैं कि फुटपाथ के कचरे से जब रोटी उठाते देखा बच्चों को, ज़िंदगी की तमाम दिक्कतें मेरी नज़रों में कमतर हो गई, ज़िंदगी की तमाम दिक्कतें मेरी नज़रों में कमतर हो गई। और गालिबो मीर से मेरी मोहब्बत का असर है शायद, गालिबो मीर से मेरी मोहब्बत का असर है शायद, रफ्ता रफ्ता इस राज की गज़लें भी मुनव्वर हो गई, रफ्ता रफ्ता इस राज की गज़लें भी मुनव्वर हो गई। और एक मतला और चंद शेर मैंने अपने पिताजी की स्मृति में कभी एक गज़ल कही थी, तो आपके सामने पेश करता हूँ कि सुबह सवेरे की पूजा थे शाम अजान थे बाबूजी, सुबह सवेरे की पूजा थे शाम अजान थे बाबूजी, मेरे सारे कुनबे की खुशियाँ मुस्कान थे बाबूजी, सुबह सवेरे की पूजा थे शाम अजान थे बाबूजी, मेरे सारे कुनबे की खुशियाँ मुस्कान थे बाबूजी। और जिम्मेदारी की चादर ओढ़े उम्र भर चलते रहे, जिम्मेदारी की चादर ओढ़े उम्र भर चलते रहे, शिकन थकान और कमज़ोरी से बिल्कुल अनजान थे बाबूजी,
शिकन थकान और कमजोरी से बिल्कुल अनजान थे बाबूजी, कभी हंसी थे कभी खुशी थे, कभी थे रौनक घर भर की। कभी हंसी थे कभी खुशी थे, कभी थे रौनक घर भर की, अपने ही अंदर कुछ संजीदा कुछ बियाबान थे बाबूजी। और आज भी उनको याद कर कुछ आंखें नम हो जाती हैं, आज भी उनको याद कर कुछ आंखें नम हो जाती हैं, ऐसे थे वो दोस्त कुछ यारों पर कुर्बान थे बाबूजी। और कहते थे कि तहजीबों से ही पुख्ता होंगी बुनियादें, कहते थे कि तहजीबों से ही पुख्ता होंगी बुनियादें, तहजीबों की बुनियादों की एक पहचान थे बाबूजी। और मित्रों आखिरी शेर पिताजी की नज़र करते हुए हासिल गज़ल शेर देखिए आप, कि सुबह सवेरे की पूजा थे शाम अजान थे बाबूजी, मेरे सारे कुनबे की खुशियां मुस्कान थे बाबूजी। और अपने तजुर्बों को निचोड़ कर सारा पाठ पढ़ा गए, अपने तजुर्बों को निचोड़ कर सारा पाठ पढ़ा गए, दुनिया का हर रंग दिखाने का एहसान थे बाबूजी, दुनिया का हर रंग दिखाने का एहसान थे बाबूजी। सुबह सवेरे की पूजा थे शाम अजान थे बाबूजी, मेरे सारे कुनबे की खुशियां मुस्कान थे बाबूजी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बार फिर ghamasan.com का आभार। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.